कार्तिक ने खोला राज, जब झेलने पड़े थे रिजेक्शन, कोई पूछता भी नहीं था। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म लुका छुपी को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म में वे अहम किरदार में हैं। फिल्म की कहानी लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित है, लेकिन कार्तिक का कहना है कि अब तक इस विषय पर जो फिल्में बनती रही हैं, उनसे यह अलग इस रूप में है कि फिल्म में लिव इन में रहने वाले दो लोगों के साथ जो परिवार भी रहता है, उसके बीच स्थिति क्या क्या होती है, कहानी उस अंदाज में कही गई है। कार्तिक युवा दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं। साथ ही सोनू के टीटू की स्वीटी की कामयाबी के बाद उनके पास लगातार बड़ी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। ऐसे में कार्तिक कहते हैं कि उन्हें यह कामयाबी एक दिन में नहीं मिली है। वह कहते हैं कि कई लोगों को लगता है कि मुझे रातों रात कामयाबी मिली है, जबकि मैंने लगभग 8 साल मेहनत की है और उसके बाद अब लोगों ने पहचाना शुरू किया है। कार्तिक कहते हैं कि शुरुआती दिनों में काफी रिजेक्शन भी झेले हैं। शुरुआती दौर की फिल्में खास कामयाब भी नहीं हुई थी। कार्तिक कहते हैं कि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं चने के झाड़ पर चढ़ गया हूं, तो मैं उनको भी यह कहना चाहूंगा कि यह पेड़ भी मैंने खुद बनाया है, खुद मेहनत की है। मैंने जड़ से बढ़ना शुरू किया। प्यार का पंचनामा हिट होने के बाद भी मुझे किसी से पूछा भी नहीं था। मैंने आकाशवाणी भी की थी, कांची की थी, वह भी नहीं चली। फिर पंचनामा 2 आई, उसके हिट होने के बाद वन फिल्म वंडर वाली बात कर दी थी लोगों ने। इसके बाद गेस्ट इन लंदन की, वे भी फ्लॉप हुई। लेकिन सोनू के बाद मुझे अच्छे ऑफर मिले, तो ऐसा अचानक से नहीं हुआ है कि मैं हिट हुआ हूँ। मैंने अब से ज्यादा डाउन ही देखा है। कार्तिक कहते हैं कि मेरी खुद की जर्नी है, जब लोग मुझे मौका दे नहीं रहे थे और आज जब मैं खुद स्क्रिप्ट चुन रहा हूँ, तो इस साल मुझे ब्रांड्स मिल रहे हैं, लोग मुझ पर अब बजट खर्च करने के लिए तैयार हुए हैं। मैं इस बात को पॉजिटिव है। कार्तिक कहते हैं कि मैं इस बात का भी खास ख्याल रख रहा हूँ कि मैं दिमाग पर कुछ भी चाहूँ न, यह पूछे जाने पर कि वरुण, विक्की, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान, राजकुमार राव जैसे कलाकारों से वे किस तरह की प्रतियोगिता देखते हैं। कार्तिक कहते हैं कि मैं हमेशा से केंद्र नंबर पर रहना पसंद करूंगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट नंबर पर होते हैं तो वहां से गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। कार्तिक कहते हैं कि हाँ, यह जरूर कहूंगा कि जब इन सभी स्टार्स की बात हो रही है तो उस श्रेणी में मेरा भी नाम लिया जाता है। हाँ, मैं कमर्शियल हूँ बहुत, तो लॉजिकली कंटेंट पसंद करता हूँ, उस लिहाज से इस लिस्ट में नाम सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि पहले तो लोगों को मेरा नाम भी पता नहीं था। कार्तिक कहते हैं कि मैं आउटसाइडर हूँ और मुझे शुरुआती दौर में तो कुछ भी पता नहीं होता था कि क्या करना है, कैसे करना है। जब मैं बेलापुर से अंधेरी जाता था, लेकिन फिर रिजेक्ट होकर वापस आता था। कार्तिक का कहना है कि शुरुआती दौर का जो मौका होता है, उसे हासिल करने में आउटसाइडर को मुश्किलें होती हैं, लेकिन आखिरकार वहीं टिकते हैं जिनमें बात होती है। बता दें कि कार्तिक आर्यन की फिल्म लुका छुपी 1 मार्च को रिलीज होने जा रही है।